हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो लास्ट के एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक 10 मिलियन डॉलर का विंटेज कार चोरी किया था डेविन वेस्टन के लिए। तो डेविन वेस्टन तो लॉस सैंटोस छोड़ के चला गया है उसके बाद। तो डेविन वेस्टन जाते जाते हमें एक एड्रेस दिया है एक बंदे का, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई काम वगैरह कर सकते हैं। उसका नाम है सोलोमन रिचर्ड, वो एक मूवी प्रोड्यूसर है। तो डेविन वेस्टन ने कहा है कि हम ये मतलब जो चोर डकैती वाला काम है वो छोड़ दे और एक मूवी प्रोड्यूसर बन जाए। आप लोगों को याद होगा कि अमेंडा भी इसीलिए हमें छोड़ के चला गया था क्योंकि माइकल इतना ज़्यादा चोरी वगैरह करता है। तो अभी हम चलते हैं सोलोमन रिचर्ड्स के पास। तो अभी ऑडी R8 लेके चलते हैं सोलोमन रिचर्ड्स के घर। लेट्स गो। ओके गाइस, आप लोगों को अगर मेरा गेम प्ले वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके, तो पहले चलते हैं सोलोमन रिचर्ड्स के ऑफिस पे। सामने ही फिल्म सिटी है, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। एक सेकेंड। ओ भाई साहब, तोड़ियो मत। हाँ, खुल गया। लेट्स गो। ओके, यहाँ से जाना है। यहाँ पे शायद सोलोमन रिचर्ड्स का ऑफिस है। ओके, पहले गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं भाई, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए गाड़ी अगर चोरी हो गया तो। लेट्स गो, इसके अंदर चलते हैं, अब सोलोमन रिचर्ड्स से मिल के आते हैं। ओके, तो ये बिल्डिंग है फिल्म सिटी। हाँ ओके, तो गाइस मैंने अभी सोलोमन से बात कर लिया है। तो सोलोमन कह रहा है कि तो अभी हमें एक बंदे को पकड़ के लाना है जो कि एक मूवी एक्टर है। वो सोलोमन को धोखा देके चला गया है क्योंकि रोको नाम का एक और मूवी प्रोड्यूसर है जो कि उस एक्टर को हायर कर लिया है कुछ ज़्यादा पैसे देकर। तो हमें उस बंदे को डरा कर वापस लाना है ताकि सोलोमन अपना मूवी कंटिन्यू कर सके। और सोलोमन कहा है कि अगर हमने उस बंदे को पकड़ के ला दिया तो हमें वो एक असिस्टेंट मूवी प्रोडक्टर के तरह काम पे रख लेगा। ओके, तो पहले चलते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम कुछ ही देर में उस बंदे के लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जो कि सोलोमन ने हमें दिया था। सो लेट्स गो। तो हम अब रोको के स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। ओके, पहुंचने वाले हैं क्या? पहुंच गए हैं। यहाँ पे गाड़ी पहले पार्क कर देते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो ये उसका ऑफिस है। ओके, वो शायद हेलीकॉप्टर पे आया है ना? हाँ, यही रोको है जो आप ऑरेंज टी शर्ट में, आप मतलब जो पिंक कलर का टी शर्ट में आप लोग देख रहे हो, यही रोको है। ओके ओके, इन दोनों एक्टर को हमें पकड़ के लाना है भाई। ओके ओके, ओके, तो ये दोनों जाने वाले हैं लिबर्टी सिटी क्योंकि मूवी का शूटिंग लिबर्टी सिटी में होने वाला है। तो हमें इनको भाई पकड़ के लाना पड़ेगा सोलोमन के पास। ओके ओके, पहले यहाँ से चलते हैं भाई, आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके गार्ड भी हो सकते हैं। पहले फेंस टाप लो भाई, कुछ कर नहीं सकते। ओके भाई, सामने तो गार्ड्स है, आराम से जाएंगे भाई, एकदम आराम से साइलेंट मोड में जाएंगे भाई। सीढ़ी चढ़ जा भाई माइकल। ओके ओके ओके, हो गया है, कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए। ओके गाइस, सामने एक और बंदा है भाई, इसको भाई 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 आराम से आराम से आराम से। अरे भाई मार यार, अरे माइकल मार। ओके, मार दिया इसको भाई, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से जाएंगे। ओ भाई ये टाप लो, ये टाप लो, एकदम एकदम आराम से जाएंगे भाई, इसको मारना पड़ेगा अभी। कुछ मत बोलियो, कुछ मत बोलियो। ओके, तो गाइस हमने इस बंदे को निपटा दिया है। ओके, तो ये दोनों आ चुके हैं, तो अभी हमें उसको लेके जाना पड़ेगा। ओ भाई, ये कह रहा है कि ये सिर्फ मुझे मारेगा, एक मिनट। ओ भाई गलती कर दिया तूने, हाथ लगा के गलती कर दिया, अब तो रैपटे ही रैपटे पड़ेंगे तेरे। ओके, ये कह रहा था कि ये सिर्फ मुझे मारेगा और कोई नहीं मार सकता मुझे। ओके, मैं ही तेरे को मार देता हूँ, और लेगा। ओ भाई ये डर रहा है भाई, अरे डरो मत यार। तो अभी हमें जाना पड़ेगा इस हेलीकॉप्टर को लेके सोलोमन रिचर्ड्स के ऑफिस पे। ओके, तो लेट्स गो। ओके गाइस, ये लोग ना अभी सोलोमन रिचर्ड्स के साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि सोलोमन रिचर्ड्स इनको कम पैसा देगा और रोको इनको ज्यादा पैसा दे रहा था मूवी का। ओके, तो अभी हमें हेलीकॉप्टर उड़ाने की स्किल से इसको डराना पड़ेगा।
ताकि ये लोग मान जाए। देखो भाई अभी देखो मैं कैसे हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। ओह भाई ये डर रहे भाई। ओके ओके थोड़ा नीचे से इसको डराना पड़ेगा। ओके 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 ब्लास्ट मत हो जाइयो भाई हेलीकॉप्टर। ओके ओके भाई ये लोग शायद मानने वाले हैं अभी। मान जा भाई मर जाएगा कभी कभी। ओके ओके गाइस ये लोग मान गए हैं मूवी करने के लिए। सो लेट्स गो अभी इसको लेके जाना पड़ेगा सोलोमन रिचर्ड्स के ऑफिस पे। तो चलते हैं सोलोमन रिचर्ड्स के ऑफिस पे, वहाँ पे चल के मिलते हैं। ओके गाइस हम लोग सोलोमन रिचर्ड्स के ऑफिस पे पहुँच गए, मतलब स्टूडियो पे पहुँच गए हैं। तो अभी हमें इन एक्टर्स को लेके यहाँ पे सेफली लैंड करके सोलोमन रिचर्ड्स के हाथों इस एक्टर को हैंड ओवर कर देना है। सो लेट्स गो पहले हेलीकॉप्टर को आराम से लैंड करवा देते हैं, फिर हमारा मूवी शायद कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने एक्टर्स को वापस ला दिया है तो शायद मूवी कंटिन्यू हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर को आराम से पार्क कर देना है, हो गया है शायद। हाँ सो लेट्स गो अभी हमें इन एक्टर को लेके जाना पड़ेगा सोलोमन रिचर्ड्स के ऑफिस पे। सो लेट्स गो चलो चलो भाई जल्दी चलो, लेट मत करो भाई। ओके तो सोलोमन खुश है शायद। ओ भाई अब तो हमें सोलोमन प्रमोशन दे देगा, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर बना देगा मूवी का। ओके गाइस माइकल को अभी सोलोमन ने असिस्टेंट मूवी डायरेक्टर बना दिया है, माइकल बहुत खुश है इसलिए। सो मिशन पास मिस्टर रिचर्ड्स। तो सोलोमन ने कहा है कि पीछे वो हमारा मूवी का शूटिंग भी चल रहा है तो हम जाके देख भी सकते हैं, तो पहले चलते हैं मूवी का शूटिंग देख लेते हैं। ओके ओके यहाँ पे हो रहा है हमारा मूवी का शूटिंग। ओके तो ये देखो गाइज ये पूरा लिबर्टी का सेट बना रखा है, ये घर एकदम मतलब एकदम असली घर नहीं है। ओके तो ये सेट पूरा लिबर्टी सिटी के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे कुछ ही दिनों में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो हम भाई मूवी प्रोड्यूसर बन चुके हैं, अमेंडा भी शायद ये सुन के वापस आ जाए हमारे पास। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे कौन ने इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।